मणिपुर में बीते दो महीने से जारी हिंसा के बीच शुक्रवार की सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन कयासों का दौर उस समय थम गया जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुद आकर बताया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से लगातार हिंसा जारी है, जिसके बाद अब तक राज्य में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग हिंसा में अब तक घायल भी हुए हैं और हिंसाग्रस्त वाले इलाकों को छोड़कर आश्रय स्थल में रहने को मजबूर हैं। वहीं इस बीच जब सीएम बीरेन सिंह ने खुद अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया तो इसके पीछे की वजह ये रही कि सीएम बीरेन सिंह के समर्थकों ने उनसे राज्य के मौजूदा हालातों के बीच इस्तीफा देने से मना कर दिया। बीते दिन सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा एक महिला ने सीएम आवास के बाहर फाड़ दिया, जिसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सीएम एन बीरेन सिंह के समर्थकों का कहना है कि बीते दो महीनों से राज्य संकट की स्थिति से गुजर रहा है और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब केंद्र सरकार मणिपुर प्रशासन के बीच लोकतांत्रिक तौर पर हिंसा का कोई समाधान निकले। ऐसी स्थिति में अगर सीएम इस्तीफा देते हैं तो इस संकट की घड़ी में हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारे लिए ये चिंता की बात है। हम नहीं चाहते कि सीएम अपना पद छोड़े। तो ये तो रही सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की बात, जिसको देने से उन्होंने अब मना कर दिया है। लेकिन मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से जुड़ा एक ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अलग अलग तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ट्वीट में एक यूजर द्वारा सीएम एन बीरेन सिंह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि ये है मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, जिनकी प्राथमिकता जल रहे मणिपुर में जनता की जान बचाना नहीं बल्कि अपनी सीएम सीट को बचाना है। दरअसल ये ट्वीट उस समय किया गया था जब सीएम एन बीरेन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। इस पर एक यूजर ने ट्वीट किया, आपको बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिसके बाद सीएम की ओर से किए गए ट्वीट में यूजर से उसकी नागरिकता पूछते हुए उसे म्यांमार का बताया गया। ट्वीट में हंसी वाले स्माइली का इस्तेमाल कर लोगों ने इसे सीएम की बेशर्मी बताई और कहा कि सीएम की हंसी बता रही है कि उन्हें अपनी कुर्सी के अलावा किसी और की परवाह नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि सीएम बीरेन सिंह की ओर से किए गए इस ट्वीट को अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन मणिपुर में लगातार हिंसा की खबरों और सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफा देने से इनकार करने की खबरों के बीच उनके इस ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। सोशल मीडिया पर उनका ये ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनसे मणिपुर में हिंसा को शांत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम के बारे में पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर मणिपुर में जारी हिंसा कब तक शांत हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।